Hi Iman and Rahim, assalamu alaikum to all of my students. Also you all are fine, so welcome back to my channel. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द राइबोसोम्स. तो राइबोसोम के बारे में आज हम लोग सारी स्टडी करेंगे कि राइबोसोम हमारे सेल के अंदर कहाँ मौजूद है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसका हमारे सेल के अंदर फंक्शन क्या क्या है. तो राइबोसोम अगर हमारे सेल में मौजूद है तो इट मींस दैट दीज ऑल structures are very important to our cell and they play a very vital essential role in our cell. So ribosomes jo hain, ab hamare paas humne jo last organelle padhi that is the nucleus, humne uske andar padha ki nucleus jo hai, thoda sa pichle lecture ko revise kar lete hain ki nucleus jo hai wo membrane bound organelle hai. क्या है वो membrane bound organelle है. अब वो membrane bound organelle है तो question फिर इधर उठता है कि क्या ribosome भी membrane bound organelle है पहले number पे. उसके बाद हमने उसमें देखा कि nucleus जो है that is present in the middle of the cell. अगर हम लोग बात करें animal cell की तो वो nucleus in the middle of the cell मौजूद होगा, जबकि अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल की तो न्यूक्लियस जो है वो माइनर एक साइड पे होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि उसके दरमियान में आ जाता है. तो यहाँ पे अब दूसरा सवाल बनता है कि क्या राइबोसोम भी सेल के मिडल में मौजूद होगा, ये इसकी क्या पोजिशन होगी. उसके बाद हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है डेट इज अ मेन पार्ट ऑफ द सेल विच कंटेन्स आवर हेरिडिटी मटीरियल. वो हेरिडिटी मटीरियल अब डीएनए की फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में मौजूद हो सकता है. अब डीएनए जो है दैट इज द हेरिडिटी मटीरियल जो के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. अब डीएनए जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे मौजूद होता है और जो क्रोमोसोम है दैट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द डीएनए, वो एक डिवाइडिंग स्टेज में मौजूद होती है. अब हमने इसके अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या राइबोसोम की भी स्टेजेस हैं इसके मौजूद होने पे. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब हमने देखा कि वो जो न्यूक्लियस था उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट स्ट्रक्चर मौजूद थी जिसको हमने न्यूक्लियोइड का नाम दे दिया, जो कि हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनने के लिए एक ओरिजिन मौजूद था. उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं वो फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं और उसके वाले से हमने उस न्यूक्लियस की पूरी एक स्ट्रक्चर को पढ़ा विद डायग्राम. आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज द राइबोसोम्स. तो राइबोसोम को देख लेते हैं कि ये क्या है, इसका ओरिजिन सेल के अंदर कहाँ मौजूद है और क्या इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी सेल को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते. तो हमारे पास है जी राइबोसोम. तो राइबोसोम को सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो सिंपली हम कहेंगे कि राइबोसोम जो हैं दीज आर ग्रेन्यूलर टाइप स्ट्रक्चर. किसकी तरह ये स्ट्रक्चर होती है, ग्रेन्यूलर टाइप स्ट्रक्चर. अब ये जो ग्रेन्यूलर वर्ड मैंने लिखा ये क्या है, ग्रेन्यूल, ग्रेन से वर्ड निकला, कहां से, ग्रेन से. अब इस ग्रेन का क्या मतलब होता है, दानेदार स्ट्रक्चर, दानेदार सा. जैसे कि अगर मैं ये बात करूं तो इसके अंदर ये जो साल्ट है हमारे पास जो छोटे छोटे दाने की तरह मौजूद होती है ये राइबोसोम्स हैं और जो के हमारे पास ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं. तो हमने इसकी एक स्ट्रक्चर की हवाले से बात कर ली. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं या नहीं होते. तो इसको क्लियर कर लें कि राइबोसोम जो है दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर.
मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। तो इसका मतलब है अगर इसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो हमने दो तरह के सेल पढ़े थे, एक हमारे पास था प्रोकैरियोटिक सेल और एक हमारे पास था एनिमल यानी यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास था प्रोकैरियोटिक सेल और ये वाला हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, हमने इसमें पढ़ा कि इसका जो हेरिडिटी मटेरियल है दैट इज फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और जो हमारे पास हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है हमारा हेरिडिटी मटेरियल। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इनको किसी किस्म की मेम्ब्रेन की जरूरत है ही नहीं, तो इट मींस के दीज आर प्रेजेंट also in the prokaryotic cell and also in the eukaryotic cell. अब एक main point यहाँ पे ये है कि prokaryotic cell में तो ये freely cytoplasm के अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? cytoplasm के अंदर ये मौजूद हैं, लेकिन eukaryotic cell में ये सिर्फ cytoplasm में मौजूद नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको शो करती हूँ। बता दीजिए यहाँ पे कि यूकैरियोटिक सेल में एक तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है, दूसरे नंबर पे ये कुछ हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अलावा कहाँ पे राइबोसोम्स की पोजीशन हो सकती है। ये हमारे पास हमारा न्यूक्लियस मौजूद है जिसकी इनवेलप जो है वो पोरस होती है, इसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है विच कंटेन्स अबाउट टू टाइप्स, फॉर एग्जांपल विच वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फिर बिल्कुल एंड होता है हमारे पास न्यूक्लियस की एनवेलप से ये स्टार्ट होता है और ये पहुंच जाता है हमारे पास हमारी सेल मेम्ब्रेन तक। अब इसमें दो पार्ट मैंने आपको बताए, एक को हमने नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और एक को हमने नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बाकी हमारी ये साइड्स पे साइटोप्लाज्म मौजूद होता है जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको दो में डिवाइड क्यों किया गया, किस बेस पे किस बिहाफ पे इसको दो डिवीजंस में डिवाइड कर दिया गया, एक को हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया और दूसरे को हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया। Just because of that, on the surface of the endoplasmic reticulum, which is also called as the rough endoplasmic reticulum, this type of cell, this organelle of cell, or this type of endoplasmic reticulum contains granular, minute granular structure, which is also called as the ribosome. ये राइबोसोम्स जो हैं ये इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इसकी प्रेजेंस की वजह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया, जबकि ये राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से इसको स्मूथ का नाम दिया इसको रफ। अब ये स्मूथ और रफ क्या है, रफ और ये स्मूथ, जैसा
कि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी पाम को देख लें और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने की तरह की कोई स्ट्रक्चर रख दें, तो ये जब हम इसको टच करेंगे तो इट वुड लाइक अ रफ सरफेस, और अगर वो ग्रैन्यूल्स को, अगर उन दानेदार स्ट्रक्चर्स को हम लोग अपनी इस पाम से हटा देंगे तो अवर पाम लाइक अ स्मूथ सरफेस। ऐसे ही बच्चों राइबोसोम्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर आकर बाइंड करते हैं, मौजूद होते हैं, तो इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल एक रफली स्ट्रक्चर दे रही होती है, एक रफ सरफेस बन जाती है, जिसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किसी किस्म का कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता, तो वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया गया। अब हमारे पास आ जाती है कि अपनी राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के टू पार्ट्स हैं, उन टू पार्ट्स को हम लोग यूनिट्स का नाम देंगे। किसका नाम देंगे उसको? सब यूनिट्स का। एक हमारे पास सब यूनिट इसका मौजूद है, स्मॉलर सब यूनिट, और एक हमारे पास इसका सब यूनिट मौजूद है, लार्जर सब यूनिट। दो सब यूनिट्स नजर आ रही हैं, ये जो ऊपर है इसको हम लोग लार्जर सब यूनिट का नाम दे देंगे, और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग स्मॉलर सब यूनिट का नाम दे देंगे। ये मैंने इसको शॉर्टकट SU लिख दी है, सब यूनिट, और इसमें भी सब यूनिट। देखिए आप लोगों ने जब इसकी डायग्राम बनानी है या अपने पेपर्स के अंदर आपने इसका फुल नेम ही लिखना है, आपने किसी किस्म का एब्रिविएशन वगैरह या कोई शॉर्ट वर्ड्स को यूज नहीं करना। अब ये जो बच्चों हमारे पास ये दो सब यूनिट्स हैं, ये मिलकर एक राइबोसोम की स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब आपने इसके अंदर एक मेन पॉइंट याद रखना है, वो मेन पॉइंट कौन सा है कि हमारे पास ये जो दो सब यूनिट्स हैं इनका वेट 70 SP होता है और इनका वेट 80 SP होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 70 S हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं या 80 S, या दोनों में से ज्यादातर कौन सा पाया जाता है। तो हमने इसमें एक मेन डिफरेंस याद रखना है कि 70 S जो इसका वेट है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है और राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है, तो 70 S जो इसका कम वेट है वो प्रोक्रियोट्स के अंदर मौजूद होगा, और हमारे पास जो 80 S वेट बर्ड, ये जो S है इसका वेट बर्ड जो है इसका फुल फॉर्म है जो कि साइंटिस्ट से रिलेट किया गया है। तो ये जिसमें बच्चों जो 80 S है ये किसका वेट है, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स का वेट होता है। अब एक छोटी सी चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दीज आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो राइबोसोम्स मौजूद हैं हमारे पास हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दैट यूज फॉर डिफॉर्मेशन और सेंसेस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, आपने इसका याद रखना है कि ये किसके लिए यूज होता है, सेंसेस ऑफ प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स को हम लोग सिंपली कह सकते हैं फैक्ट्री है, ये किसकी फैक्ट्री है, सेंसेस ऑफ प्रोटीन्स, सेंसेस ऑफ प्रोटीन्स। ये आपका एक मुकम्मल टॉपिक था। इस सारे टॉपिक में अगर आपको किसी भी पॉइंट की
समझ नहीं आई तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकती हैं। इसको आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये सारी ऑर्गेनेलिस जो है ये एक बायो की बेसिक्स है। इफ यू वॉन्ट टू डू आर FSC और वॉन्ट टू गो इन द मेडिकल फील्ड, अगर आपने बायो ही आगे जाके मैट्रिक के बाद चूज करनी है तो आपको इन सारी बेसिक्स का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि 9th-10th जो होती है, जो हमारे पास मैट्रिकुलेशन का पीरियड होता है, ये बहुत ही एक बेसिक टाइम होता है। इसके अंदर हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत होनी होती है। इसी के अंदर अगर हमारा काम या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आगे जाके भी फिर हमारे लिए मसला क्रिएट करते हैं। तो आपने अभी तक जितने हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं और इंशाल्लाह जो बाकी नेक्स्ट होंगे, कोई किसी किस्म की अभी अगर आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस और यू कैन आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस। ओके, तब तक ख्याल रखिए अपना।